आज की हम बात करेंगे बेटा कार्बन कंपाउंड चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल का। इथेनॉल की बेटा बहुत सारी रिएक्शन है, रेगुलरली यूज़ होती रहती है, बड़ी क्लास में जाओगे तो भी इसका इस्तेमाल होगा और इस चैप्टर में तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ये। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का जनरल फॉर्मूला है बेटा C2H5OH। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी अल्कोहल होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। अच्छा एक बात देखो, C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल, और OH को अल्कोहल। तो जिसको आप इथेनॉल कहते हो उसी को आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हो। मतलब चाहे आपसे कोई बोले इथेनॉल बोले, चाहे आपसे कोई इथाइल अल्कोहल बोले, बात एक ही है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो CH3CH2OH, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूँ तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, सारे कंबाइन कर लेंगे। देखो कितने सी हैं, 2 C, एच कितने 5 और 1 6, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हो। अगर आपसे बोलेंगे बाई चांस कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो ये रहा, कोई बोलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो तो ये रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं किस किस तरह। पहली बात है, इट इज़ ए वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78.3। वोलेटाइल का मतलब बच्चे हवा में घुल जाते हैं। कई आप देखोगे यार, मान लो पेट्रोल है या कोई भी कंपाउंड होता है, कई बार आप देखोगे रोड पे गिर गया तो ऐसा नहीं कई दिन तक गिरा ही रहेगा, सूख जाता है थोड़ी देर बाद। तो वोलेटाइल का मतलब हवा में घुल जाता है, ये वोलेटाइल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट देखो बहुत कम है इसका, 78.37 केल्विन में बोलोगे 353.37 है ना भाई। केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन इक्वल टू सी प्लस 273, तो ये जो है इसको बटा जोड़ देंगे इसमें तो आ जाता है केल्विन में। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। पानी का देखो 100 डिग्री होता है, इवन पानी का, इसका पानी से भी बहुत कम है। सेकंड है, इट इज़ लाइटर देन वाटर। अगर डेंसिटी की बात करें, वजन की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें तो ये पानी से हल्का होता है, ठीक है। थर्ड है, इट इज़ मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। सवाल है बेटा मिसिबल का मतलब क्या होता है, मिसिबल मतलब होता है मिक्स करना, और इस तरह से मिक्स करना कि दोनों की सेपरेट लेयर ना दिखे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक ग्लास है बेटा, अब घर में अल्कोहल पी रहे हो, जैसे आप शराब कहते हो हिंदी में, आप और से भाषा में दारू कहते हो। अब आप जब अल्कोहल में पानी मिलाते हो, या उल्ट कुछ तो पानी में ही अल्कोहल मिला लेते हैं या कुछ अल्कोहल में पानी मिलाते हैं, एक ही बात है मेरे भाई, तो क्या ऐसा होता है कि अल्कोहल अलग दिखती है पानी अलग दिखता है भैया? तो मिक्स हो जाती है ना, जो घर में आप पानी में अल्कोहल मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगी, आपको कहीं पे भी सेपरेट लेयर नहीं दिखेगी, उसे कहते हैं मिसिबल होना। तो ये पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ मिक्स हो जाती है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत अल्कोहल मिलाई है या जरा सा पानी लिया तो मिक्स नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओगे मिक्स हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे अल्कोहल है कहाँ पानी है, अलग अलग लेयर नहीं दिखाई देती, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी चीज़ में 100% है, प्योर इथेनॉल है और कोई चीज़ नहीं है, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 100% ऑफ प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। जिस इथेनॉल में 5% वाटर होगा, खाली फिक्स है कि भाई मान लो आपने 95% इथेनॉल लिया, कितना लिया 95% इथेनॉल लिया और 5% क्या लिया वाटर लिया, तो वो क्या बन जाएगा रेक्टिफाइड स्प्रिट। नेक्स्ट है, इथेनॉल इटसेल्फ इज अ गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, कई सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती है इजीली। सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट काम है अपने में, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी। तो इथेनॉल में किसी भी चीज़ को आप इजीली मिक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट है मेरा, इसके केमिकल प्रॉपर्टी किस किस तरह से रिएक्शन करता है। पहला है बेटा देखो, न्यूट्रल करेक्टर होता है, मतलब ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, न्यूट्रल करेक्टर शो करता है। मतलब लिटमस पेपर पे क्या कंडीशन होती है, अगर एसिड होगा तो ब्लू से रेड कन्वर्ट करेगा, बेस होगा रेड से ब्लू, पर ये न्यूट्रल है बेटा तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा कोई रिएक्शन। सेकेंड है कम्बशन। आपने कहा सर कम्बशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना क्या कहलाता है बेटा, कम्बशन। अब देखो इथेनॉल को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट भी रिलीज होगी, और जिस रिएक्शन में इस साइड हीट होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम बेटा Na है, C2H5OH प्लस Na, तो ये बनेगा, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मतलब क्या है कि जब भी इथेनॉल को आप ना अल्कली मेटल से रिएक्ट कराते हो, आपने कहा सर अल्कली क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम,
तो हमेशा वो बेटा ये बना देंगे, अपना सॉल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। यही टेस्ट इस्तेमाल होता है इसके रिएक्शन, मतलब टेस्ट फॉर अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराना। ये डब्बे में मैंने लिखा बच्चे नेसेंट ऑक्सीजन, याद रखो नब्बे में क्या लिखा है, नेसेंट ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन O2 होता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा होता है डब्बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो, इसकी रिएक्टिविटी इससे डेढ़ गुना होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये क्रोमिक ऑक्साइड है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो क्या बन रहा है इथेनल प्लस हाइड्रोजन पार्शियल ऑक्सीडेशन पे। पर अगर वो बोले कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, आपने कहा सर पता क्या चलेगा कि कंप्लीट होगा कहीं, जहां बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर माइल्ड वाले हैं जैसे क्रोमिक ऑक्साइड है तो माइल्ड वाला है। अगर आपने यहां पे लिखा एल्कलाइन KMnO4 बेटा, एल्कलाइन KMnO4 KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट, बात समझ आई नहीं आई, पोटेशियम मैग्नेट। तो जब आपने अल्कोहल से रिएक्शन कराई इसकी तो यहां भी देखो एसिड बनेगा और ओवरपोर्ट बनेगा, जबकि माइल्ड वालों पर क्या बन रहा था, देखो माइल्ड वालों पर क्या बन रहा है एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है इथेनल। बट जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो क्या एल्डिहाइड बन रहा है, ये तो एसिड है ना, क्या नाम है इसका इथेनोइक एसिड। अगेन अगर आपने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, आपने कहा सर फॉर्मूला लिख दीजिए ना, लिख दो हेलो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बेटा, ये होता है क्रोमेट आयन। अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया दो भी एसिड और वाटर मिलेगा, मतलब चाहे एल्कलाइन KMnO4 से करा लो चाहे आप करवा लो पोटेशियम डाइक्रोमेट से, आपका रिजल्ट वही आएगा, आपका बनेगा एसिड। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब होता है भाई रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब अगर आपने इथेनॉल से वाटर रिमूव कराया बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो आपका क्या बन जाएगा एल्कीन, और कौन सा एल्कीन है ये इथीन। तो जब भी आपसे बोला जाए डिहाइड्रेशन के रिएक्शन लिखो इथेनॉल की इन प्रेजेंस, आपने क्या बना देना है एल्कीन बना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, भाई इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करा रखिए, देखो बेटा C2H5OH कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। अब ऐसे क्या होता है जब ये ऐसे लिखते हैं तो देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, देखो ये H2 हट गया तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपसे पूछा था एस्टेरिफिकेशन लिखो, तो एस्टेरिफिकेशन में क्या करना है आपने एसिड को अल्कोहल से बनाना है और एस्टर बन जाएगा, देखो इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल बेटा एस्टर की। आपने बोला सर इस एस्टर का नाम क्या, इसका नाम है इथाइल इथेनेट बेटा, क्या नाम है इथाइल इथेनेट प्लस वाटर। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी रिएक्शन आपसे लिखवा ले सकते हैं। आपसे पूछेंगे भाई सोडियम से रिएक्शन लिख के दिखाओ, आपसे बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, आपसे बोलेंगे कम्बशन करिए, आपसे बोलेंगे डिहाइड्रेशन करिए, तो कोई भी रिएक्शन आपको आए बेटा आनी चाहिए और आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हम देखेंगे यूसेज ऑफ इथेनॉल, भाई इथेनॉल को कहाँ का इस्तेमाल किया, पहले ऐसे फ्यूल किस तरह इस्तेमाल किया था बेटा। जब भी इथेनॉल को जल दिलाते हैं तो बेटा बहुत पोल्यूशन नहीं होता है, वाटर निकलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हार्मलेस है, क्लियर फ्लेम है, मतलब कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। और जब भी एक इवन है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है इसको जलाने पे। जब मैं ब्राज़ील में था बेटा वो क्या करते थे, गैसोलीन होता है पेट्रोल नाम से बेचा जाता है, इसमें 25% इथेनॉल होता है, देखो। तो इसका ऐसे फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल होता है बाहर देशों में जा रहा होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक में इस्तेमाल होता है इसका, देखो कई सारी अल्कोहलिक ड्रिंक है बेटा, ड्रिंक तो खत्म होने का नाम नहीं कि 50 लिख देंगे, बट मेन जो उदाहरण देखो रम है, वाइन है, बियर है, विस्की है, वोडका है, ब्रांडी है। अब रम जो होती है बेटा उसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होता है बेटा, कम से कम 40% होता है बेटा, इतना ज़्यादा होता है, देखो जिससे ज़्यादा भी आती है 40-60 भी हो सकता है। पर जो नॉर्मली अल्कोहल, इसलिए देखो कभी भी देखोगे आर्मी पर्सनल जो होते हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं जनरली रम को ही प्रीफर करते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होती है। वाइन में देखो 10-12% है, अमीर लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नशा नहीं करना, सिर्फ फील लेना कि हम पी रहे हैं तो वाइन का इस्तेमाल करेंगे। बियर सबसे कम होता है 6%, बहुत ज़्यादा नहीं होता। विस्की बात करो, देखो विस्की 40-50% है, इसलिए महंगी भी आती है। वोडका में 40% अल्कोहलिक कंटेंट होता है, ठीक है। बात करें ब्रांडी में, ब्रांडी में 35-60%, बहुत सारे टाइप है, ऐसे सिडार भी है, ऐसे टकीरा, बहुत सारे टाइप से बेटा। मेन जो होते कभी कभार पूछ लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था इसी पे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और देखो एंटी बैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर में, अभी देखा था कोरोना हुआ था सब लोग हैंड सैनिटाइज कर रहे थे, तो उसमें से स्मेल भी आती है स्ट्रॉन्ग जो सैनिटाइजर अल्कोहल की,
है ना। तो इसीलिए देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, नीडल वाउंड से चोट लगी आपके कहीं वहाँ पे स्टलाइज करने के, साफ करने, सिरिंज को स्टलाइज करा होगा, कभी आप बारबर की शॉप पे जाते हो तो वो जो उनका उस्तरा होता है उस पर भी सैनिटाइजर वगैरह, इसीलिए ताकि वो एंटीबायोटिक इफेक्ट है इसका। पेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, मार्कर में होता है, परफ्यूम में होता है, डिओडोरेंट में होता है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता, एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो आप देख सकते हो कि इथेनॉल कितने ज़्यादा हमारा यूज़ है। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।